शनिवार को आजसू पार्टी जिला इकाई द्वारा धर्मपुर स्थित जिला खनन कार्यालय का घेराव किया गया। इस कार्यक्रम में आजसू पार्टी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से जिला में व्याप्त बालू की समस्या को ध्यानाकृष्ट कराया गया। मौके पर आजसू जिला अध्यक्ष अमित पांडे ने कहा कि बरसात के मौसम में बालू पर रोक लगाने के बाद जिले में चल रही है विभिन्न सरकारी योजनाएं एवं निजी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिले में एकमात्र बालू का स्टॉक चंदमा के मरमर में है और दोनों तरफ से नदी होने के कारण वहाँ से बालू उठाव संभव नहीं है। छोटे कार्यों में ट्रैक्टर के द्वारा बालू लाया जाता है। बेड व्यवस्था नहीं होने के कारण ट्रैक्टरों को जिले में हर जगह पकड़ा जा रहा है। ट्रैक्टर से कई लोगों का आजीविका जुड़ी हुई है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में लोगों को बालू नहीं मिलने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जिला खनन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया मौके पर कई लोग शामिल थे। लातेहार से रामकुमार की रिपोर्ट। को लेके डीएमओ को खनन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें 8 दिनों का हम लोगों ने समय दिया है। उनके द्वारा कहा गया कि चंदवा में यार्ड से जो भी बालू है उठाया जा सकता है, वो भी हाईवा के माध्यम से। लेकिन हमारा जो है लातेहार में जो बालू का जरूरत है, वो ट्रैक्टर के माध्यम से ही कहा कि हम लोग को कम मात्रा में जिसको जरूरत है उसके लिए उनके पास कोई समाधान नहीं। हम लोगों ने 8 दिन का समय दिया है, 8 दिन के अंदर अगर बालू की समस्या पर समाधान नहीं होगा तो फिर से आजसू पार्टी जो है उपायुक्त कार्यालय में लातेहार जिला के सारे ट्रैक्टरों को जमा करेगी और वहीं से आंदोलन शुरू करेगी।